अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, साइरस मेकओवर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं आप लोगों को एक मुन्नी सी छोटी सी क्लाइंट के ऊपर कुछ हेयर स्टाइल बताऊंगी। इनके ऊपर आज मैं और भी वीडियोस में नए नए स्टाइल बताऊंगी आप लोगों को कि छोटी बच्चियों के स्टाइल्स कैसे किए जाते हैं। टीन एज जो बच्चियां होती हैं, बिल्कुल 10-11 साल की, 15 साल की बच्चियां जो होती हैं जिन्हें पता समझ में नहीं आता कि हम बालों के स्टाइल कैसे करें, शॉर्ट बाल होते हैं, तो उसके लिए हम आप लोगों को स्टाइल बताएंगे। ये ईद के लिए भी स्पेशल आप लोगों को मैं बता रही हूँ ताकि ईद पे जो गर्मी इतनी है, बच्चों को चाहिए कि ज़रा थोड़े बालों को बैंड कर लें, थोड़ा सा इनको कोनी कर लें, मगर स्टाइलिश तरीके से करें ताकि अच्छी लगे, पता भी लगे कि ईद स्पेशल लुक है। तो ईद स्पेशल लुक आज आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। ईद स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर है, तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि किस तरह स्टाइल हम बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये बच्ची के बाल देखें बिल्कुल स्ट्रेट हैं। ये हम बालों को ये आगे से जो इनका एरिया है, हॉर्स शू एरिया जो होता है आईब्रो के साथ, यहां से हम बालों को पकड़ेंगे नीट करके। ये हम बालों को ऐसे ले लेंगे, आगे से भी देख लें आप, बाल जो है ना नीट होने चाहिए। बालों को ले लेंगे और इसमें हम एक पोनी कर लेंगे। ये सिंपल कोई भी पोनी आप जो है ना कोशिश करें ब्लैक कलर में ही हो, बालों के कलर के मुताबिक हो, वो फिर बुरी नहीं लगती। इसे हम ऐसे पोनी कर लेंगे, बालों को पोनी हम टाइट करेंगे ताकि जब हम इसे जरा लूज करें तो वो सही रहे, एकदम से बाल लूज ना हो जाए। ये देखिए अब हमने पोनी कर ली है। पोनी करने के बाद हम ऐसे ही इन बालों को उठाएंगे, यहाँ से आप इधर बैठा थोड़ा सा बालों फेस को, यहाँ हम इस तरह हाथ डालेंगे और ये जो हम पोनी की है हमने इसको हम इसके नीचे से गुजार देंगे। ये इस तरह यहाँ पे ट्विस्ट बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा इसे आप लूज भी कर लें प्यारा लगेगा। ये इस तरह ये चीज ठीक है। यहाँ तक आपको यकीनन समझ आ गई होगी मैंने क्या किया। ये हमने पोनी की है, पोनी करने के बाद हमने बालों को इसके अंदर से गुजार दिया, ये ट्विस्ट बन गया, ये देखें ठीक है। इसके बाद हम जो इधर से बाल हैं, जो साइड वाले बाल हैं, कानों से बाल हम थोड़े से छोड़ देंगे और ये हम इधर से बाल ऐसे ले लेंगे, ये सिंपल जो हमारी ब्रेड होती है तीन स्टेप वाली वो हम करेंगे। फिर हम इस पे भी पोनी कर देंगे ताकि ये हमारी ब्रेड खुले ना। अच्छा, इसको हम थोड़ा थोड़ा सा लूज कर देंगे ताकि ब्रेड बनी हुई प्यारी लगे। साइड पे भी ये हमारी एक पोनी हो गई इधर। फिर हम इसी तरह जिस तरह हमने बाल उधर से लिए थे इस तरह ही इधर से हम बाल लेंगे। ट्रायंगल बस बार में ना आए, इसको
सिंपल वेट है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, पोनी लगाने से पहले या पहले इसको थोड़ा थोड़ा सा खोल लें, ये देखें, ये फिर आसानी से खुल जाती है। लूज़ कर लें थोड़ा थोड़ा, इसकी शेप बहुत प्यारी आ जाती है। जी तो ये हमारी ब्रेड बन चुकी हैं, ये देखें, ये दोनों ब्रेड्स हमारी बन चुकी हैं। इनको अब हम इस तरह पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद बिल्कुल जो ये सेंटर है वहाँ पे जहाँ हमने की थी इस जगह पे ले, ठीक है, यहाँ पे ला के आप इन्हें बॉब पिन के साथ अटक कर लें। बॉब पिन भी आपने क्रॉस में लगा देनी है, ये देखें, यह जब हमने क्रॉस इस तरह कर दिया है ना आपस में, तो फिर हमने ये जो हमारी नीचे से हमने पोनियाँ की थी इनको हमने खोल देना है, ठीक है, खोल के हमने इन बालों को इनके साथ ही ऐसे मिक्स कर देना है, ये ठीक है। अब आप जो भी आपने बच्चों के आपने लगाना है पिंस वगैरह, जो आपको सूट के साथ मैचिंग आपने जो भी आप लगा रहे हैं वो आपने एक इधर लगानी है, ठीक है, और एक हम यहां पे लगाएंगे, ये देखें, पिनों को भी आप पिन्स को कोशिश करें कि आपके पिन्स भी नजर ना आए बिल्कुल भी, और ये इस तरह यहाँ क्रॉस हो जाए, स्ट्रेट कर लें। ये जी था हमारा आज का स्टाइल, छोटी बच्चियों के, टीनेज बच्चियों के, इंशाल्लाह और भी ऐसी बहुत से स्टाइल बताऊंगी मैं इस स्पेशल के लिए, आपको और भी वीडियोस दूंगी, तो बच्चियों के आप ज़रूर ये स्टाइल इस पर बनाएं, बहुत अच्छे लगेंगे, और भी बड़ी बच्चियाँ भी बना सकती हैं जैसे आपका दिल करे, टीनेज बच्चियाँ, बड़े छोटी बच्चियाँ, जैसे जो जिन बच्चियों को अच्छा लगे वो ज़रूर बनाएं, तो ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टाइल कैसा लगा, और भी स्टाइल देते रहेंगे। तो आज के लिए